आज इस वीडियो आपके लिए कर रहे हैं 20 अननोन इम्पॉसिबली ऑसम एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट मिशन इम्पॉसिबल मूवी, जिनमें आज आपको पता चलेगा कि इस मूवी के सबसे फेमस अपसाइड डाउन सीलिंग वाले सीन को परफॉर्म करने में एक्टर टॉम क्रूज को कौन कौन सी परेशानियां हुई थी, जिसे करते टाइम इनका सिर नीचे फ्लोर पर कई बार जाके लगा था। Bam, hitting my face and the take didn't work. और इस ट्रेन सीक्वेंस को करते वक्त टॉम क्रूज के चेहरे पर इतनी रफ्तार से हवा छोड़ी गई थी जिसकी स्पीड किसी टोर्नेडो से भी ज्यादा थी। और साथ ही मैं बात करूंगा इस मूवी के कुछ मिस्टेक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फैक्ट नंबर 1। वेल, मिशन इम्पॉसिबल मूवी के बनने के पीछे एक्चुअल में एक्टर टॉम क्रूज का ही हाथ था, क्योंकि ये ओरिजिनल मिशन इम्पॉसिबल टीवी सीरीज के बहुत ही बड़े फैन थे जिसके राइट्स पैरामाउंट पिक्चर के पास थे। और फिर टॉम क्रूज ने प्रोड्यूसर पॉला वैगनर के साथ मिलकर पैरामाउंट पिक्चर्स को ये मूवी बनाने के लिए कन्विंस किया था। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस मूवी को क्रूज वैगनर प्रोडक्शन के नाम से रिलीज किया था। एंड ओरिजिनली पैरामाउंट स्टूडियोज ने इस मूवी का बजट 40 से 50 मिलियन डॉलर रखा था, जिसको टॉम क्रूज ने बढ़वा कर 80 मिलियन डॉलर करवाया था। और यहाँ तक टॉम क्रूज ने अपनी ओरिजिनल फीस में से 20 मिलियन डॉलर भी कम कर दिए थे ताकि ये मूवी अच्छे से बन पाए। इसके बाद इन्होंने इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से परसेंटेज फीस ली थी। नंबर 2, मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई आईएमएफ एजेंट्स की ये टीम, जिसके सभी मेंबर्स शुरू में ही मारे जाते हैं, तो एक्चुअल में इस टीम में दिखाए गए सभी मेंबर्स के रोल ओरिजिनल मिशन इम्पॉसिबल टीवी सीरीज के एक्टर्स को ऑफर किए गए थे ताकि इन सभी को इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाकर इस फ्रेंचाइज की आगे नई शुरुआत की जा सके। बट इन सभी एक्टर्स ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया था। एंड एक्टर पीटर ग्रेव्स, जिन्होंने ओरिजिनल सीरीज में जिम फिलिप्स का रोल प्ले किया था, तो इन्हें इस मूवी में भी यही सेम रोल ऑफर किया गया था। बट स्क्रीन प्ले पढ़ने के बाद जब इन्हें पता चला कि जिम फिलिप्स इस मूवी का विलेन होने वाला है, तब इन्होंने मूवी में फिर से रोल करने से मना कर दिया था। नंबर 3, मूवी के स्टार्टिंग में जब इथन हंट पर उसी की टीम को मारने का इल्जाम लगाया जाता है, तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए इथन एक वाटर टैंक को उड़ाकर वहां से भाग जाता है। और बिहाइंड द सीन ऐसा एक्चुअल में किया गया था, जिस दौरान इस सीन की फिल्मिंग के टाइम इन वाटर टैंक्स को एक्चुअल में एक्सप्लोर किया गया था, जिनमें बहुत ही सारा पानी भरा हुआ था। और स्टंट को करते वक्त सबसे डेंजरस बात थी वाटर टैंक का गिलास, जो कि एक्सप्लोजन के टाइम चारों तरफ फैल गया था। और इन एक्टर्स को इस गिलास के टुकड़ों से बचते हुए इस सीन को परफॉर्म करना था। और इस पूरे वाटर टैंक एक्सप्लोजन सीन को 2 डिफरेंट लोकेशंस पर शूट किया गया था, जिसमें इस वाटर एक्सप्लोजन वाले सीन को परमाश स्टूडियोज के सेट पर शूट किया गया था। और जब इथन को बाहर की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है, तो सराउंडिंग सीन को प्राग में शूट किया गया था। नंबर 4, नोकुलिस्ट को पाने के बाद जब क्रैकर नोकुलिस्ट वाली सीडी को अपने साथ ले जाने की बात करता है, तो उस टाइम उसे उलझाने के चक्कर में इथन हंट उसे एक हैंड ट्रिक करके दिखाता है। ये ट्रिक तुमने कभी देखा नहीं? तो एक्चुअल में सीडी के साथ ये हैंड ट्रिक बिल्कुल रियल एंड जेन्युइन थी, जिसमें किसी भी तरह के कैमरा कट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स का यूज नहीं था, और आप सिंपली से हाथ की सफाई भी कह सकते हो, जिसे टॉम क्रूज ने खुद ही परफॉर्म किया था। नंबर 5, हालांकि आज के टाइम में एप्पल के प्रोडक्ट्स का दुनिया भर में बोलबाला हो, बट 1996 में ऐसा नहीं था, जिसके चलते एप्पल ने इस मूवी के अंदर प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवाई थी। वेल, इस मूवी में इथन हंट और बाकी की टीम को जिस लैपटॉप को चलाते हुए दिखाया गया है, तो एक्चुअल में एप्पल का लैपटॉप था, जिसको इस मूवी में दिखाने के लिए एप्पल ने पैरामाउंट को 15 मिलियन डॉलर दिए थे। और कमाल की बात तो ये है कि इस मूवी में दिखाया गया लैपटॉप सिर्फ एक मॉडल था, जो कि फिल्मिंग के टाइम चलता भी नहीं था और ना ही उस टाइम मार्केट में आया था, जिसको बस प्रोडक्ट प्लेसमेंट के तौर पर यूज किया गया था। और अगर अब प्रोडक्ट प्लेसमेंट की बात हुई है, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा ओटीटी प्ले प्रीमियम के बारे में, क्योंकि अगर आप मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही सस्ते मूवीज एंड टीवी शोज देखना चाहते हो, तो ओटीटी प्ले पर आप सभी सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में टोटल 12 डिफरेंट एप्स का मजा ले पाओगे, जिनमें सोनी लीव, Z5, लॉन्सगेट प्ले, शिमारो के साथ साथ 8 और ओटीटी ऐप शामिल हैं, जहां पर आप इन 12 मल्टीपल ओटीटी ऐप्स के 5 डिफरेंट कॉम्बो पैक्स को अपने रीजनल लैंग्वेज, जोनरा एंड प्रेफरेंस के हिसाब से खरीद सकते हो, वो भी बहुत ही सस्ते में, क्योंकि अगर आप G5 का सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो वही आपको 700 रुपए में पड़ेगा। और इसी सेम प्राइस में ओटीटी प्ले पर आप सभी G5 के साथ साथ 4 और ऐप्स का मजा ले पाओगे। और इसे और भी ज्यादा सस्ता बनाने के लिए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे पास एक स्पेशल कूपन कोड है, OTTPLFAC10। तो जो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करके उनका मनपसंद कॉम्बो पैक लेंगे, तो उन्हें अपने ऑर्डर पर ये कूपन कोड यूज करके 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से साइन अप करो और ऑर्डर करके इस कूपन का फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओटीटी प्ले डाउनलोड करो और मजे करो मल्टीप्लाई। नंबर 6,
वेल, इस मूवी का फाइनल सीक्वेंस हमें एक मूविंग ट्रेन के ऊपर देखने को मिला था और इस पूरे ट्रेन सीक्वेंस की शूटिंग में फिल्म मेकर्स को 6 हफ्ते लगे थे, जिसमें इस मूवी में दिखाए गए सभी एक्सटीरियर शॉट्स में हमें रियल टीजीवी ट्रेन दिखाई गई थी। और अगर बात करें ट्रेन के रूफटॉप वाले सीन्स की, तो इन्हें ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था, जिस दौरान शूटिंग के टाइम एक्टर टॉम क्रूज के चेहरे पर 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा यानी विंड प्रेशर छोड़ा गया था, ताकि इनके इस डिस्टॉर्टेड फेस को दिखाया जा सके। और अगर आप विंड प्रेशर के में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 90 किलोमीटर की स्पीड से हवा एक खड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकती है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा कितनी डेंजरस होती होगी, जिसका सामना इस सीन में टॉम क्रूज एंड जॉन वॉट ने किया था, जिससे कि एक्टर्स के अपने इन रोल्स के लिए डेडिकेशन एंड पैशन का भी पता चलता है, और ये चीज हमें हर एक एक्टर में देखने को नहीं मिलती। नंबर 7, वेल, मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की बात इसके थीम सॉन्ग के बिना तो हो ही नहीं सकती, जो कि इस मूवी की पहचान है और इस पूरी फ्रेंचाइज की जान है। और इस ऑसम एंड आइकॉनिक थीम सॉन्ग की शुरुआत ओरिजिनल टीवी सीरीज से ही हुई थी, जिसको ओरिजिनली कंपोज लालो शेफ्रिन ने कंपोज किया था, जिसके बाद हमें इसका रिमिक्स्ड वर्जन इस मूवी में सुनने को मिला था, जिसको इस मूवी के लिए डेरी एल्फमैन ने कंपोज किया था, जो कि जाने माने म्यूजिकल कंपोजर हैं। नंबर 8, वॉल्ट में पहुंचने के बाद जब इथन नॉक लिस्ट को ओपन करता है, तो उनमें से एक कोड नेम में मैवरिक लिखा होता है, जिस कैरेक्टर को टॉम क्रूज ने टॉप गन मूवीज में प्ले किया है। नंबर 9, इस मूवी का मेन प्लॉट शुरू से नोक लिस्ट पर फोकस रहता है कि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। वेल, एक्चुअल में नोक यानी एनओसी का फुल मीनिंग होता है नॉन ऑफिशियल कवर, और इस लिस्ट में उन सभी एजेंट्स के नाम होते हैं जिनको उनके देश से निकाल दिया होता है। जैसा कि इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें लूथर एंड क्रैगर को दिखाया जाता है, तो ट्रेडिशनली क्या होता है कि जब कोई स्पाई कहीं पकड़ा जाता है तो उसकी होम कंट्री एडमिट करती है कि ये बंदा हमारे देश का ही वाजी है, जिसके बाद उस पकड़े हुए स्पाई और एजेंट को छोड़ दिया जाता है। बट इस मूवी में दिखाया कि नोक लिस्ट उन सभी डिसवाउड देश से निकाले के एजेंट्स के नाम होते हैं जिन पर किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल या बोले तो कोई अधिकार नहीं होता, जिसके बाद ऐसे एजेंट्स को मारना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए इस मूवी में इन सभी डिसवाउड एजेंट्स को बचाने के लिए ये पूरी मूवी होती है। नंबर 10, मिशन इम्पॉसिबल मूवी की ओपनिंग में इस मूवी के प्लॉट को पहले ही रिवील कर दिया था, जिसमें ब्रीफली हमें नोक लिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके अराउंड इस मूवी का मेन प्लॉट होता है। जिम फिलिप्स को भी दिखाया जाता है कि वो जिंदा है, जिसके बाद नोक लिस्ट की चोरी और शुरुआती टीम के मेंबर्स की डेथ को भी ओपनिंग में दिखा दिया गया था। और इसके बाद भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनसे कि इस मूवी का ऑलमोस्ट पूरा प्लॉट ही रिवील हो जाता है। नंबर 11, हालांकि आज के टाइम में मिशन इम्पॉसिबल मूवीज उसके ओवर द टॉप एक्शन के लिए जानी जाती हैं, बट ओरिजिनली एक्टर टॉम क्रूज एंड प्रोड्यूसर पोला वैगनर फर्स्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी को सिर्फ स्पाई गैजेट्स की वजह से बनाना चाहते थे, जो कि टॉम क्रूज को बहुत ही कूल आइडिया लगा था, जिसके बाद इस मूवी में दिखाए गए सभी गैजेट्स रियल लाइफ स्पाई गैजेट्स से इंस्पायर थे, जिनमें कोई भी फिक्शनल डिवाइस नहीं था। नंबर 12, मूवी के स्टार्टिंग में जब इथन, क्लेयर एंड जिम साथ में मिलकर सेनेटर जॉन का एक टेलीविजन इंटरव्यू देख रहे होते हैं, तो इस सीन में सेनेटर का रोल भी खुद एक्टर टॉम क्रूज ने प्ले किया था, तो ऐसा कहा जा सकता है कि टॉम क्रूज ने इस मूवी में 2 रोल्स प्ले किए हैं। नंबर 13, मूवी में इथन और उसकी टीम जिस वॉल्ट में नोक लिस्ट को चुराने के लिए जाते हैं, तो उसमें प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और ऑडियो सेंसर लगा होता है, और इनमें से किसी के भी ज्यादा होने पर वॉल्ट का अलार्म बज जाता है। बट डिस्क को पाने के बाद जब क्रैगर इथन को ऊपर की ओर खींचता है, तो उसका नाइफ निकल कर सीधा नीचे वॉल्ट में जाकर गिरता है, जिससे कि मेटेलिक पिंजिंग साउंड होती है, और इस नाइफ साउंड से वॉल्ट का अलार्म भी बज जाना चाहिए था, जिससे कि डनलो भी वॉल्ट में नहीं आ पाता। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब नाइफ नीचे जाकर गिरता है, तो उस टाइम डनलो ने ऑलमोस्ट एक सिक्योरिटी चेक को पास कर लिया था, जिससे कि सिक्योरिटी सिस्टम भी ऑफ हो गए थे, और इसी वजह से नाइफ के गिरने पर भी अलार्म नहीं बजता। नंबर 14, पूरी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में ऐसी इकलौती मूवी है जिसमें इथन हंट को एक भी बार गन चलाते नहीं दिखाया गया, जिसमें इस कैरेक्टर ने एक भी गोली नहीं चलाई। बट इस मूवी के अलावा इथन हंट को बाकी के सभी पार्ट्स में गन चलाते दिखाया गया है। नंबर 15, मिशन इम्पॉसिबल मूवी का सबसे फेमस सीन जब इथन हंट सीलिंग से उल्टा लटकते हुए नोक लिस्ट को कॉपी करता है, तो बिहाइंड द सीन इस स्टंट को एक्चुअल में परफॉर्म किया गया था, जो कि इस पूरी मूवी का सबसे हार्डेस्ट स्टंट था, जिसे खुद एक्टर टॉम क्रूज ने रस्सियों के सहारे ऐसा ही उल्टा लटक कर परफॉर्म किया था। और इसी सीन के दौरान एक मूवमेंट ये भी होती है जब इथन नीचे फ्लोर पर गिरने से बाल बाल बचता है।
तो इस पर्टिकुलर सीन को भी प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया था, जिस दौरान टॉम क्रूज को रस्सियों के सहारे पीछे दो आदमियों ने पकड़ा हुआ था जिनके हाथों में टॉम क्रूज की जान थी। क्योंकि अगर बिहाइंड द सीन इस ड्रॉप के दौरान ये दोनों थोड़ा सा भी लेट या मिसकैलकुलेट करते तो फिर टॉम क्रूज सीधा नीचे फ्लोर पर जाके तो गिरते ही और साथ में ये बैडली इंजर्ड भी हो सकते थे। और इस सीन को परफॉर्म करते वक्त टॉम क्रूज को एक और परेशानी भी हुई थी, क्योंकि जब भी इन्हें नीचे गिराया जाता था तो उस टाइम हर बार इनका सिर नीचे फ्लोर पर टकरा जाता था, क्योंकि सडन ड्रॉप के तुरंत बाद ये अपना वेट मेंटेन नहीं कर पाते थे। Bam, hitting my face and the take didn't work. जिसका सोल्यूशन निकालते हुए और अपने वेट को बीच में ही मेंटेन करने के लिए टॉम क्रूज ने अपने जूतों में कॉन्स को डाला था ताकि इनका कुछ वेट इनके पैरों की तरफ हो जाए और इनका सिर नीचे फ्लोर पर ना टकराए, जिसके बाद ही टॉम क्रूज इस स्टंट को परफॉर्म कर पाए थे। नंबर 16। और हालांकि अपसाइड डाउन सीलिंग सीन को करने में टॉम क्रूज और बाकी की टीम ने कितनी भी मेहनत की हो, बट इसमें कुछ गलतियां भी थी। फॉर एग्जाम्पल, कॉफी ब्रेक के बाद जब डनलो फिर से वोल्ट में आता है तो आप उसकी परछाई को नीचे ब्लैक फ्लोर पर देख ही सकते हो, तो यहाँ पर वो ऊपर लटके इथन की परछाई को भी नीचे फ्लोर पर आराम से देख सकता था। इसके बाद एक सीन में इथन को उसके पसीने की एक बूंद को हाथ में कैच करते दिखाया जाता है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इथन फ्लोर से 2-3 इंच ऊपर ही होता है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि इथन ने अपने वेट को मेंटेन करते हुए इस छोटे स्पेस में स्वेट ड्रॉप को कैच किया हो। और इसके बाद जब क्रैकर अपने नाइफ को नीचे गिरा देता है तो वो सीधा कंप्यूटर डेस्क पर जाकर गिरता है, बट जो एयर कंडीशनिंग डक होता है तो वो वोल्ट के बीचों बीच होता है, जिसके हिसाब से ये नाइफ नीचे फ्लोर पर जाकर गिरना चाहिए था, ना कि कंप्यूटर डेस्क पर। और आप सभी को लग रहा होगा कि मैं एक फैक्ट्स वाली वीडियो में मिस्टेक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, तो हर एक चीज की अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं। और आज तक मैंने जितनी भी मूवीज पर वीडियोस बनाई हैं तो उनमें भर भर के मिस्टेक्स भी थी जो कि मैंने आप सभी को नहीं बताई। और अगर आपको ऐसे और मूवी मिस्टेक्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 17। इस मूवी में हमें पहली बार लूथर स्टीकल के करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि स्किल्ड कंप्यूटर हैकर होता है, और इथन हंट के बाद लूथर ऐसा इकलौता करेक्टर है जो कि मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की हर एक मूवी में अपीयर हुआ है, जिसे एक्टर विंग रहीम ने प्ले किया है। और इनको हैकर के रोल के लिए जानबूझकर कास्ट किया गया था क्योंकि फिल्म मेकर्स का मानना था कि हैकर्स की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती, वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं जो कि नॉर्मली हमें दूसरी मूवीज में देखने को मिलते हैं, सिंगल हड्डी नडी टाइप पर्सन। नंबर 18। ड्यूरिंग द फ्लैशबैक सीन जब इथन जिम से फिर से मिलने के बाद ये सोच रहा होता कि जिम ने उसकी पूरी टीम को कैसे मारा होगा, तो उस टाइम वो हैना की डेथ कार एक्सप्लोजन को दो तरीके से इमेजिन करता है, जिसमें एक सिनेरियो में क्लेयर हैना को मार दी है और दूसरे में जिम। और मूवी के इस फाइनल सीन में जब क्लेयर फिलिप्स एंड इथन को एक साथ दिखाया जाता है तो यहाँ पर एक एडिशनल डायलॉग ये भी था, इसमें क्लेयर इथन को ये कन्फेस करती कि उसी ने हैना की कार को उड़ाया था जो कि हमें इस मूवी में दिखाया ही नहीं गया। नंबर 19। इस मूवी के एंड में हमें टीजीवी ट्रेन देखने को मिली थी जो कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसे चलने के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस की जरूरत पड़ती है, बट इस मूवी में दिखाया कि इस टीजीवी ट्रेन के ऊपर किसी भी तरह की पावर लाइंस नहीं होती, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग के टाइम इस ट्रेन को चलाने के लिए एक डीजल इंजन का यूज किया गया था ताकि बाद में इस हेलीकॉप्टर परशूट वाले सीन को रियलिस्टिक दिखाया जा सके। नंबर 20। मिशन इम्पॉसिबल मूवी के रिलीज के बाद इस मूवी को इसके ओवर द टॉप एक्शन सीन्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया था, बावजूद इसके कि इस पूरी मूवी में कोई बड़ी गन फाइट एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी नहीं था। और इस पूरी मूवी में हमें सिर्फ 5 गनशॉट्स दिखाए गए हैं जिनमें से टॉम क्रूज ने अपने हाथों से एक भी गोली नहीं चलाई। तो ये थे मिशन इम्पॉसिबल मूवी से जुड़े 20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड इम्पॉसिबली ऑसम बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, पीस।